जो यशोधर बाबू थे वो किसनदा को बहुत चाहते थे। हाँ अपने मर्यादा पुरुषोत्तम किसनदा से सुनी हुई वह बात नहीं भूले कि गधा पचीसी में कोई क्या करता है इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाद में हर आदमी समझदार हो जाता है कि जब आदमी युवा होता है तो जो उसके अंदर है इतनी समझ नहीं होती, क्योंकि जो एक्सपीरियंस आदमी होता है, अनुभवी आदमी होता है, उसके अंदर इतनी समझ आ जाती है। यद्यपि युवा यशोधर को विश्वास नहीं होता, तथापि किसनदा बताते हैं कि किस तरह मैंने जवानी में पचासों किस्म की खुराफत की है, पकड़ी चुराना, गर्दन मोड़ के मुर्गी मार देना, पीछे की खिड़की से कूद कर। मतलब ये क्या है कि यशोधर बाबू जो है वो कहते हैं कि मैंने भी तो बचपन में शरारते की हैं, जवानी में शरारते की हैं, तो अब मेरे बच्चे भी करते हैं तो कोई नहीं, कोई बात नहीं। वो जो है अपने आप को इस बात के लिए समझा लेता है, और फिर वो जो है अपने मित्र किसनदा के बारे में बताता है कि किसनदा जो है, किसनदा की यह उक्ति अब भी जचती है। मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सयाने उसमें रहते हैं, जब तक सरकारी नौकरी तब तक सरकारी क्वार्टर, रिटायर होने पर गांव का पुश्तैनी घर। तो वो कहता है कि मेरा जो मित्र है वो कहा करता था किसनदा कि मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सयाने उनमें रहते हैं, जब तक नौकरी सरकारी नौकरी तब तक सरकारी क्वार्टर, रिटायर होने पर गांव का पुश्तैनी घर। गांव का पुश्तैनी घर टूट फूट चुका है और उस पर इतने लोगों का हक है कि वहां जाकर रहना, बसना, मरम्मत की जिम्मेदारी ओढ़ना और बेकार के झगड़े मोल लेना होगा। इस बात को यशोधर जी अच्छी तरह समझते हैं। बच्चे बहस में जब यह तर्क दोहराते हैं तब उनमें से कोई जवाब देते नहीं बनता। उन्होंने हमेशा यही कल्पना की थी और आज भी करते हैं कि उनका कोई लड़का रिटायर होने से पहले सरकारी नौकरी में आ जाएगा और क्वार्टर उनके परिवार के पास बना रह सकेगा। अब भी पत्नी द्वारा भविष्य का प्रश्न उठाए जाने पर यशोधर बाबू इस संभावना को रेखांकित कर देती हैं। जब पत्नी कहती है अगर ऐसा नहीं हुआ तो आदमी को तो हर तरह से सोचना चाहिए, तो यशोधर बाबू की क्या सोच है कि हम अपना जो है व्यक्तिगत जो हम मकान लेकर क्या करेंगे, हम जो है मेरे रिटायर होने से पहले मेरा कोई ना कोई बेटा जो है सरकारी नौकरी में आ जाएगा और फिर हमें सरकारी क्वार्टर मिल जाएगा। लेकिन जो यशोधर बाबू की पत्नी है वो कहती है कि आदमी को हर तरह से सोचना चाहिए, यदि हमारा बेटा सरकारी नौकरी नहीं लगा तब जो है क्या होगा। कहते हैं और कहकर लगभग नकली सी हंसी हंस देते हैं। तब यशोधर बाबू टिप्पणी करते हैं कि सब तरह से सोचने वाले हमारी बिरादरी में नहीं होते हैं, उसमें तो एक ही तरह से सोचने वाले होते हैं। कहते हैं और कहकर लगभग नकली सी हंसी हंसते हैं। जितना हो सके हो इस लोक की जिंदगी यशोधर बाबू की यह नकली हंसी हंसने के लिए बाध्य कर रही है, उतना ही वह परलोक के बारे में उत्साही होने का यत्न कर रहे हैं। तो उन्होंने बिरला मंदिर की ओर तेज बढ़ाए, नारायण के आघात जोड़े, 80 का खासा और प्रमाण में जा एक महात्मा जी का प्रवचन कर रहे हैं। महात्मा जी हो जाते हैं, गीता प्रवचन होते हैं, कौन शोधा पाप जाओ कैसे महात्मा चलते हैं गीता पाठ रहे हैं। और उस आज प्रवचन सुनने में ईश्वर जी का मन लगा नहीं, सच तो यह है कि वह भीतर से कर्मकांडी है नहीं। हाँ, इस संबंध में मर्यादा पुरुष किसनदा द्वारा स्थापित मानक हमेशा उनके सामने रहे हैं।
जैसे जैसे उम्र ढल रही है वैसे वैसे वह भी किसंदा की तरह रोज मंदिर जाने, संध्या पूजा करने और गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ने का यतन करने लगे। अगर कभी उनका मन शिकायत करता कि इस समय लग नहीं पा रहा हूँ, मेरा मन जो है इस सब में नहीं लग पा रहा है, तब उससे कहती कि भाई लगना चाहिए। अब तो माया मोह के साथ साथ भगवान भजन को भी कुछ स्थान देना होगा कि नहीं। नई पीढ़ी को देकर राजपाट तुम लोग जाओ बाट वन प्रदेश की, जो करते हैं जैसा करते हैं करें, हमें तो अब इस वर्ल्ड की नहीं, उसकी इस लाइफ की नहीं, उसकी चिंता करनी है। वैसे अगर बच्चे सलाह मांगे उनका आदर करें तो अच्छा लगता है, अब नहीं मांगते तो न मांगे। ईश्वर ने अपने को छिड़का कि यह भी क्या हुआ कि मन को समझाने में फिर भटक गए, गीता महिमा सुनो। सुनने लगे मगर व्याख्या में जनार्दन शब्द जो सुनाई पड़ा तो उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद आ गई। जनार्दन जो है भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त किया जाता है, कि जब उन्होंने जो है पूजा में वो गीता पाठ कर रहे थे, जनार्दन शब्द सुना तो उन्हें अपने जीजा जनार्दन की याद आ गई। परसों ही कार्ड आया कि उनकी तबीयत खराब है। यशोधर बाबू सोचने लगे कि जीजा जी का हाल पूछने जाना होगा। ऐसा सोचते ही उन्हें यह भी ख्याल आया कि यह प्रस्ताव उनकी पत्नी और बच्चों पर नहीं आया। सारा परिवार भर गया है। बच्चों की धारणा है कि इस बिखरे परिवार के प्रति यशोधर जी का एक तरफा लगाव आर्थिक दृष्टि से सर्वथा मूलतापूर्ण है। यशोधर जी खुशी गम के हर मौके पर रिश्तेदार आना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि बच्चे भी पारिवारिकता के प्रति उत्साही रहें। देखिए यशोधर बाबू, चाहे कोई गरीब रिश्तेदार है, अमीर रिश्तेदार है, सबके सुख दुख में साथ होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो मेरे बच्चे हैं वो भी ऐसे ही जो है पारिवारिक रिश्ते बनाए रखे। बच्चे क्रूर ही होते हैं। अभी उस दिन हद हो गई, बेटे ने यह कह दिया कि आपको बुआ को भेजने के लिए पैसे मैं तो नहीं दूंगा। सोदर बाबू को कहना पड़ा कि अभी हमारे बाबा तो इतफाक है कि सुबह भेज सके। तो जो है यशोधर बाबू कहती है कि मेरे जी जो है बीमार हैं, जनार्दन उनका नाम था बेटा, तो कहती हैं कि मैं उनके यहाँ जाकर अहमदाबाद उनका पता ले आता हूँ और कुछ जो है आर्थिक रूप से उनकी हेल्प कर देता हूँ। तो जो उनका बेटा है वो मना कर देता है कि मैं पैसे नहीं दूंगा। तो ये यशोधर बाबू कहना पड़ा कि अभी मेरे पास इतनी साख है, मेरी इतनी इज्जत है कि मैं 100 रुपए उधार ले लूंगा। ये सोची का नारा हमारा तो देखा ठहरा, हमें तो यही परंपरा विरासत में मिली है। इस नारे से उनकी पत्नी बहुत चिढ़ती है। पत्नी का कहना है और सही कहता कहना है कि माँ के मर जाने के बाद छोटी सी उम्र में वह गांव छोड़कर अपनी विधवा बुआ के पास अल्मोड़ा आ गई थी। कोई ऐसा तो था नहीं जहाँ की उधर जी देखते और परंपरा के रंग में रंगते। मैट्रिक पास करते ही वह दिल्ली आ गए। यहाँ रही बुआ के पास में देखने को होता क्या है। पत्नी आग्रह पूर्वक कहती है कुछ नहीं, तुम अपने उन किसंधा के मुंह से सुनी सुनाई बातों को अपनी आंखों देखी यादें बना डालते हो। तो यशोधर बाबू की पत्नी कहती है कि तुमने जिंदगी में देखा ही क्या है, माँ के गुजर जाने के बाद तुम अपनी जो है बुआ जी के पास रहने लगे अल्मोड़ा में। वहां भी उनका कोई परिवार इतना नहीं था कि तुम जो है वहां संस्कार सीख सकते, तुम्हें परिवार के बारे में पता चलता, और उसके बाद तुम मैट्रिक करने के बाद कहां पर आ गए। तुम मैट्रिक करने के बाद तुम जो है दिल्ली आ गए, और दिल्ली जो है यहाँ पर जो है कृष्णा कुआरे कृष्णानंद जी के पास रहने लगे।
सो इसलिए उनकी बातों पर ही तुम इतना सुनी सुनाई बातों पर विश्वास रखते हो। उनका परिवार तो नहीं था ही नहीं, वे क्या जाने पारिवारिक रिश्तों के बारे में। किसंदा का को जो भी मालूम था वह उनका पुरानी गवई लोगों से सीखा हुआ ठहरा। और जो भी किसंदा को आता था पता था वह उन्होंने अपने गांव के पुराने लोगों से सुना था। दिल्ली आकर उन्होंने घर परिवार तो बसाया नहीं, जो जान पाते कि कौन से रिवाज निभा सकते हैं कौन से नहीं। पत्नी का कहना है कि किसंदा तो थे ही जन्म के बूढ़े, तुम्हें क्या सुर लगा जो उनका बुढ़ापा खुद ओढ़ने कि किसंदा तो शुरू से ही बूढ़े, जब उन्हें विवाह नहीं किया अपना नहीं बताया उनकी मानते हो तुम। इस प्रकार कहती है कौन, किसंदा की, सॉरी यशोधर बाबू की पत्नी। किसको सुनाती है, यशोधर बाबू, कि तुम अपने हर बात को जो किसंदा के सी को उड़ाते हो। क्या उनका कोई परिवार था, उनने पारिवारिक रिश्तों के बारे में, वे तो जो है थे ही बूढ़े, मीन्स शुरू से बूढ़े थे, तो अपना परिवार नहीं बस सके। तुम शुरू में तो ऐसे नहीं थे, शादी के बाद जो क्या नहीं रखा। हफ्ते में दो दो सिनेमा देखते थे, गजल गाते थे, गजल हुई और सहगल के गाने। कि भी आप जो है पहले तो ऐसे नहीं थे, काफी रोमांटिक से थे। यशोधर बाबू स्वीकार करते हैं कि उनमें कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन वह समझते हैं कि उम्र के साथ साथ बुजुर्गे ताना ठीक ही है। वे अपनी पत्नी से कहते हैं कि उम्र के साथ साथ यदि बुजुर्गियत आ जाए तो कोई जो है उसमें दिक्कत नहीं है। पत्नी से कहते हैं कि जिस तरह तुमने बुढ़ा हाल यह बगैर बहा के ब्लाउज पहनना, यह रसोई से बाहर दाल भात खा लेना, यह ऊंची हील वाली सैंडल पहनना और ऐसे ही 50 काम अपनी बेटी की सलाह पर शुरू कर दिए हैं, मुझे तो वे समहाउ इम्प्रॉपर ही मालूम होते हैं। तो क्या कहती है जो यशोधर बाबू है, वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि जो से बाहर हो और ऊंची हील के सैंडल पहनती हो, इस प्रकार जो है जो तुमने अपने अंदर जो चेंज किया है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे इम्प्रॉपर सा लगता है। एनीवे मैं तुम्हें ऐसा करने से रोक नहीं रहा, देयरफॉर तुम लोगों को भी के लिए बाबू को धार्मिक प्रवचन सुने सुनते हुए भी अपने बारे में ध्यान रहता अच्छा नहीं लगा। तो वो अपनी पत्नी को कहते हैं मुझे ये जीने के ढंग पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए, कि यदि मैं तुम्हारे जीने के ढंग पर एतराज नहीं करता तो तुम्हें भी जो है जीने तो धार्मिक भी अपना पारिवारिक चिंतन में ध्यान डूबा रहना अच्छा नहीं लगा। सुबह शाम संध्या करने के बाद जब वह थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश करते, तब भी मन किसी परता में नहीं, इसी परिवार में लीन होता। ये सब चाहते थे कि ध्यान लगाने की सही विधि सीखे, तथा वह भी कहते हैं कि परहैप्स ऐसी चीज के लिए रिटायर होने के बाद का समय ही प्रॉपर ठहरा। वानप्रस्थ के लिए प्रेस्क्राइब्ड ठहरी ये चीजें। वानप्रस्थ के लिए यशोधर बाबू का अपने पुश्तैनी गांव जाने का इरादा है। रिटायर होकर फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड समझे कि रिटायर होने के बाद जो है वो जैसे संन्यास लेते हैं गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ का, तो वो चाहते हैं यशोधर बाबू कि मैं जो वानप्रस्थ का जो जीवन है, संन्यास का जो जीवन है, गृहस्थी के जो है कंप्लीट करने के बाद, जैसे आपने देखा होगा बच्चों, राजे महाराजे जो है दूसरी पीढ़ी को राज राज सौंप कर फिर वो
करते थे, तो वो था वानप्रस्थ जीवन। तो कहता है मैं वानप्रस्थ जीवन के लिए यशोधर बाबू अपने गांव जाना चाहता है। इस तरह की तमाम बातें यशोधर बाबू पैदाइशी बुजुर्गवार किसनदा के शब्दों में और उनके ही लहजे में कहा करते हैं, और कहकर उनकी तरह ही कि वह झेप सी लगभग नकली सी हंसी हंस देते हैं। जब तक किसनदा दिल्ली में रहे, यशोधर बाबू नित्य नियम से हर दूसरी शाम उनके दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचते रहे। स्वयं किसनदा हर सुबह शहर से लौटते हुए अपने इस मानस पुत्र के क्वार्टर में झांकना और हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बन रहा है न भाव, ऐसा कहना कहीं कभी नहीं भूलते। जब यशोधर बाबू दिल्ली आए थे तब उनकी सुबह थोड़ी देर से उठने की आदत थी। किसनदा ने उन्हें रोज सुबह झकझोर कर उठाना और साथ शहर में ले जाना शुरू किया और यह मंत्र दिया कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो जो यशोधर बाबू थे जब दिल्ली आए तो वो लेट उठते थे, लेकिन किसनदा जो है उन्हें उठा लेते थे और शहर को ले जाते थे और उन्हें समझाते थे कि यदि हम जल्दी बेड से उठते हैं और जल्दी सोते हैं तो हम हेल्दी स्वस्थ, मानसिक रूप से भी स्वस्थ और हम बुद्धिमान भी बनते हैं। हम जो है शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं और बुद्धिमान भी बनते हैं। जब यशोधर बाबू अलग क्वार्टर में रहने लगे और अपनी गृहस्थी में डूब गए तब भी किसनदा ने यह देखना देखते रहना जरूरी समझा कि भाव यानी बच्चा सवेरे जल्दी उठता है कि नहीं। भाई गृहस्थी में जाने के बाद भी किसनदा ने जो है, जब यशोधर बाबू अपनी गृहस्थी में चले गए तब भी इस बात का ध्यान रखा। यशोधर बाबू को यह अच्छा लगता था कि कोई उन्हें भाऊ कहता है, भाऊ मीन्स भाई। हर सवेरे वह किसनदा से अनुरोध करते कि चाय पीकर जाएं। किसनदा कभी कभी इस अनुरोध की रक्षा कर देते। यशोधर बाबू ने किसनदा को घर और दफ्तर में विभिन्न रूपों में देखा है, लेकिन किसनदा की छवि कि जो छवि उनके मन में बसी हुई है वह सुबह की सैर को निकले किसनदा की है। कुर्ते पजामे के ऊपर ऊनी गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी और पांव में देसी खड़ाऊ धारण किए और हाथ में एक छड़ी लिए हुए कुत्तों को भगाने के लिए। जब तक किसनदा दिल्ली में रहे तब तक यशोधर बाबू ने उनके शिष्य और उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाई। किसनदा के चले जाने के बाद उन्होंने ही उनकी कई परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश की और इस कोशिश में पत्नी और बच्चों को नाराज किया। घर में होली गवाना, जन्यो पुण्यु के दिन सब कुमाऊनियों को जनेऊ बदलने के लिए अपने घर आमंत्रित करना, रामली तालीम के लिए क्वार्टर का एक कमरा दे देना, ये और ऐसी कई और काम यशोधर बाबू ने किसनदा से विरासत में लिए थे। मतलब परोपकार के काम जो है वो किसनदा के जो है चाल पर कर रहे थे। जैसे किसनदा दूसरे का उपकार करते थे, भला करते थे, वैसे ही कई कामों को अब यशोधर बाबू भी करते थे उनके गांव जाने के बाद। ऐसे ही कई और काम यशोधर बाबू ने किसनदा से विरासत में लिए थे। उनकी पत्नी और बच्चों को इन आयोजनों पर होने वाला खर्च और इन आयोजनों पर होने वाला शोर दोनों ही सख्त नापसंद थे। हालांकि उनकी पत्नी और बच्चों को जो है ये पसंद नहीं थे, बदतर यही कि इन आयोजनों के लिए समाज में भी कोई खास उत्साह रह नहीं गया था। यशोधर जी चाहते थे कि उन्हें समाज का सम्मानित बुजुर्ग माना जाए, लेकिन जब समाज ही न हो तो यह पद उन्हें क्यों कर मिले। यशोधर जी कहते हैं कि बच्चे
मेरा आदर करें और उसी तरह हर बात में मुझसे सलाह लें जिस तरह मैं किसनदा से लिया करता था। यशोधर बाबू डेमोक्रेट बाबू हैं। दुराग्रह नहीं करना चाहते कि बच्चे उनके कहे की को पत्थर की लकीर समझें। ले यह भी क्या हुआ कि पूछा ताछा में जैसा आया करता रहा। गारंटेड ग्रांटेड तुम्हारी नॉलेज ज्यादा होगी लेकिन एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट ठहरा नहीं बेटा। तो जो यशोधर बाबूजी हैं बेटा वो चाहते हैं कि जैसे मैं किसनदा का आदर करता हूँ मेरे बच्चे भी वैसे ही मेरा आदर करें। और मैं ये नहीं कहता कि वो मेरी हर बात पत्थर की लकीर माने लेकिन कम से कम कुछ काम नया काम करने से पहले मेरी बात को मेरे से पूछें। और बेशक उनको जो है ज्यादा जो है नॉलेज है मेरे से लेकिन एक्सपीरियंस जो अनुभव है वो मेरा अधिक है इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। कौन कहता है? ये सोधर बाबू कि इस बात में कोई शक नहीं बेशक मेरे बच्चे मेरे से ज्यादा अनुभवी हो सॉरी मेरे से ज्यादा नॉलेजेबल हो उनको ज्यादा नॉलेज हो लेकिन मेरे से ज्यादा अनुभव उन्हें नहीं है। ऐसा मानना है किसका? यशोधर बाबूजी का। मानो न मानो झूठे मुंह से सही एक बार पूछ तो लिया करो ऐसा कहते हैं यशोधर बाबू और बच्चे यही उत्तर देते हैं बब्बा आप तो हद करते हैं जो बात आप जानते ही नहीं आपसे क्या पूछे। तो क्या जवाब देते हैं बच्चे? जिस बात आपको पता ही नहीं है जिस मैटर की आपको नॉलेज ही नहीं है उसके बारे में आपसे क्या पूछे। तो प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी गए। यशोधर बाबू को अच्छा लगता यदि उनके बड़े बेटे होने पर अपनी तरफ से यह प्रस्ताव करते कि दूध लाना राशन लाना CGHC डिस्पेंसरी से दवा लाना सदर बाजार जाकर दालें लाना पहाड़गंज से सब्जी लाना डिपो से कोयला लाना ये सब काम एक बार बेटों से खुद उन्हें ही कहा तब वे एक दूसरे से कहने लगे कि तू किया कर तू क्यों नहीं करता। इतना कोहराम मचा और लड़कों ने एक दूसरे को इतना ज्यादा कहा कि यशोधर बाबू ने इस विषय को उठाना भी बंद। जब से बेटा विज्ञान कंपनी में बड़ी नौकरी पर गया है तब से बच्चों का इस प्रसंग में एक ही वक्तव्य है बब्बा हमारी समझ में नहीं आता कि इन कामों के लिए आप एक नौकर क्यों नहीं रख लेते। ईजा की आराम कि आपको भी जो है हम मिल जाएगा कमाऊ बेटा मक यह कहता है कि नौकरी की तनख्वाह जो नौकर है सैलरी है वो मैं दे दूंगा। यशोधर बाबू को यही somehow improper मालूम होता है कि उनका बेटा अपना वेतन उनके हाथ में नहीं रखे। यह सही है कि वेतन स्वयं बेटे के अपने हाथ में नहीं आता अकाउंट ट्रांसफर द्वारा बैंक में आता है आज बैंक में जाता है लेकिन क्या बेटा बाप के साथ ज्वाइंट नहीं खोल सकता। उसे सही एक बार ऐसा कहता तो अपने वेतन को अपना समझते हुए बार बार कहना कि यह काम मैं अपने पैसे से करने को कह रहा हूँ आपके से नहीं। जो आप नुक्ताचीनी करें इस क्रम में बेटे ने पिता का यह कल्टर तक अपना बना लिया है। अपना वेतन अपने ढंग से वह इस घर पर खर्च कर रहा है कभी कारपेट बिछवा रहा है कभी पर्दे लगवा रहा है कभी सोफा आ रहा है कभी डबल बेड और श्रृंगार मेज आ रही है ड्रेसिंग टेबल कभी टीवी कभी फ्रिज आ रहा है। और ऐसा भी नहीं कहता कि लीजिए पिताजी मैं आपके लिए यह टीवी ले आया
कहता यही है कि मेरा टीवी ही है, समझे इसे कोई न छुआ करे। कबाड़ उसका हो गया, यह अच्छी रही। अब इनका एक नौकर समझाते हैं यशोधर वाली को। तो अपनी पत्नी को वो कहते हैं कि जब जो ये सारा सामान लाता है वह इसका है, तो ये जो नौकर लगाएगा अपने पैसे से, तो नौकर सिर्फ इसी का ही काम करेगा। यशोधर बाबू पत्नी सुनती है, मगर नहीं पर सुनकर नहीं। कमाओ बेटा, नमक छिड़कते हुए यह भी कहता है कि नौकर की तनख्वाह मैं दे दूंगा। तो क्या कहता है यशोधर बाबू अपनी घरवाली को, काम सब अपने हाथ से ठीक। कर अब सब्जी का झोला लेकर यशोधर बाबू खुदी हुई सड़कों और टूटे हुए क्वार्टरों के मलबे से पटे हुए लानों के को पार करके स्क्वायर के उस कोने में पहुंचे जिस तीन क्वार्टर अब भी साबुत खड़े हुए थे। उन तीनों में कुल एक को अब तक एक सिलसिला आबाद किए हुए है। बाहर बदरंग तख्ती में उनका नाम लिखा था, वाईडी पंत, यशोधर पंत। इस क्वार्टर के पास पूछकर आज वाईडी पंत को पहले धोखा हुआ कि किसी गलत जगह आ गया है। क्वार्टर के बाहर एक कार थी, कुछ स्कूटर मोटरसाइकिल, बहुत से लोग विदा ले दे रहे थे। बाहर बरामदे में रंगीन कागज की झालरें और गुब्बारे लटक रहे थे और रंग बिरंगी रोशनियां जली हुई थी। फिर उन्हें अपना बड़ा बेटा भूषण पहचान में आया, जिससे कार में बैठा हुआ कोई साहब हाथ मिला रहा था। वो कह रहा था, गिव माई वॉर्म रिगार्ड्स टू योर फादर। तो जो घर है वो जैसे ही जो है लौट कर आए यशोधर बाबू सब्जी वगैरह लेके, तो उन्होंने देखा कि जो घर है वो पूरा डेकोरेट कर किया हुआ है क्वार्टर। तो एक बार तो यशोधर बाबू को समझ में ही नहीं आया कि यह वही क्वार्टर है या कोई और। फिर उसने अपने बड़े बेटे को देखा कि वो जो है गाड़ी में जो है किसी से कर रहे हैं। बड़े बेटे का नाम था भूषण, यशोधर बाबू के, और कह रहे हैं, गिव माई वॉर्म रिगार्ड्स टू योर रिगार्ड्स टू योर फादर, कि भी अपने पिता को मेरी तरफ से जो है सिल्वर की देना। यशोधर बाबू ठिठक गए। उन्होंने अपने से पूछा कि आज मेरे क्वार्टर में ये क्या हो रहा है। उसका जवाब भी उन्होंने अपने को दिया, जो करते होंगे ये है पेमोंडे, इनकी माया यही जाने। भाई पता नहीं क्या ये माया यही जाने। अब यशोधर बाबू का ध्यान इस ओर गया कि उनकी पत्नी और उनकी बेटी भी कुछ मेम साहबों को विदा करते हुए बरामदे में खड़ी है। लड़की जीन और बगैर बांका टॉप पहने हैं। यशोधर बाबू उसे कह चुके हैं कि अपन और जैस मुझे समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होती है, लेकिन वह भी जिद्दी है कि इसे ही पहनती है और पत्नी भी उसी की तरफदारी करती है। कहती वह सिर पर पल्लू वल्लू मैंने कर लिया बहुत तुम्हारे कहने से, समझे बेटी भी करेगी जो दुनिया करती है। पुत्री का पक्ष लेने वाली यह पत्नी इस समय होठों पर लाली और बालों पर हिजाब लगाए हुए थी, जबकि ये दोनों चीजें आप कुछ भी कहिए यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर लगती थी। कि लड़की का जो है बिना बाजू का टॉप पहनना, जींस पहनना जो है अपनी लड़की का, उस यशोधर बाबू को अच्छा नहीं लगता था, और अपनी का श्रृंगार करना भी उसे, मतलब कि एज के हम चाहता था कि वो उसी प्रकार का मेकअप करे, लेकिन इन बातों को नहीं। आधुनिक किस्म के अजनबी लोगों की भीड़ देखकर यशोधर बाबू अंधेरे में ही डूबते रहे। उनके बच्चों को इसलिए शिकायत कि बब्बा
तो एलडी टाइप से ही मिक्स करते हैं। जब कार वाले लोग चले गए तब यशोधर बाबू ने अपने क्वार्टर में कदम रखने का साहस जुटाया। भीतर अब भी पार्टी चल रही थी। उनके पुत्र पुत्रियों के कई मित्र और रिश्तेदार हुए। उनके बेटे ने झिड़की सी सुनाई, बाबा आप भी हद करते, 8:30 अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देख रहे थे। हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी? इसी साल SAS पास हुआ है और दूर के रिश्ते से यशोधर बाबू का भांजा लगता है। यशोधर बाबू को अपने बेटों से तमाम तरह की शिकायतें हैं, लेकिन कुल मिला उन्हें यह अच्छा लगता है कि लोग बाग उन्हें ईर्ष्या का पात्र समझते हैं। वही उन्हें भूषण के घर सरकारी नौकरी का समझ में न आता हो, तथापि वह यह बखूबी समझ कि इतनी छोटी उम्र में 1,500 महीने में कन्वेंस अलाउंस एंड तुम्हारा अदर वर्क्स पा जाना कोई मामूली बात नहीं है। कि उन कर रहा है वैसे ये सरकार, लेकिन फिर भी वो सोचता है कि नहीं, यह इतनी छोटी सी उम्र में जो है इतने सारे पैसे कमा रहा है तो इसी तरह भले ही यशोधर बाबू ने बेटों की खरीदी हुई हर नई चीज के संदर्भ में यही टिप्पणी की हो कि यह क्या हुई, समहाउ मेरी तो समझ में आता नहीं, इसकी क्या जरूरत थी, तथापि उन्हें कहीं इस बात से थोड़ी खुशी भी होती है कि इस चीज आ जाने तो के निश्चय ही गलत मानकों आदान ले रहा है। मिसाल के लिए जब बेटों ने यशोधर बाबू ने उसका विरोध किया और यह है कि इस पर बनी रोटी मुझे तो समहाओ रोटी नहीं लगती, तथापि वह जानते हैं गैस होने पर वह इस नगर में चपरासी श्रेणी के मान लिए जाते। इसी तरह फ्रिज के संदर्भ में आज भी यशोधर बाबू यही कहते हैं, इस में आज तक यह नहीं आया कि इसका क्या फायदा है, बासी खाना खाना नहीं, और यह ठहरा इसी काम का, वह बना के रखा और शाम को खाया। इसमें रखा भी मेरे मन तो आती, गला पकड़ लेता है, कहते हैं मगर इस बात से संतुष्ट होते हैं, साधारण हैसियत वाले मेहमान इस फ्रिज का पानी पीकर अपने धन्य अनुभव करते हैं। पार्टी भी यशोधर बाबू समहाउ इम्प्रूव पर लगी, तथापि इन्हें इस बात से संतोष हुआ दिन पर कभी लड्डू नहीं आए, उसने भाग और 2,000 कर्जा लेकर किया बगैर किसी खास की 25वीं वर्षगांठ पर केक, चार तरह की नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक, चाय, आज सब कुछ है। गिरीश, मुझे आज सुबह बैठे बैठे याद आया कि आपकी शादी 6 फरवरी सन हुई थी और इस हिसाब से उसे 25 साल पूरे हो गए हैं। मैंने आपके दफ्तर में भी फोन है। तो बच्चों, आज का जो लेक्चर है यही समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो लेसन है आगे रीड करेंगे। थैंक।